बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उन्नति कम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आई होप आपने इसके पिछले सभी जो पार्ट थे वो सभी बड़े ध्यान से देखे होंगे और उन सबको नोट करा होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी फॉर्मेलिटी जो मैं हर बार करता हूँ, दोबारा से आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास किसी कोने में बुक के नीचे अगर ये किताब कहीं दबी रखी है तो उसको आप उठा लीजिए, क्योंकि उस बुक को उठाने का, उसको पढ़ने का, उसको समझने का, उसमें से नोट्स बनाने का, उसको हाईलाइट करने का अब सही समय आ चुका है। अधिकांश बच्चों के पास ये बुक होती है, जोश खरोश में परचेज कर लेते हैं मार्केट से, लेकिन एक आध पन्ने पलटने के बाद में ठप पड़ जाते हैं। तो फिलहाल ये ज़माने अब गए, अब तो पढ़ना पड़ेगा। अब एग्ज़ाम में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो से काम नहीं बनेगा, मतलब मन आया तो ए लगा दिया, मन आया तो बी लगा दिया, अब तो पढ़ना पड़ेगा। कट ऑफ कितनी जा रही है, कितना कॉम्पिटिशन्स बढ़ चुका है, कितनी कम वैकेंसी में कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, बेरोजगारी कितनी है, ये सभी आपको पहले से पता होगा। तो इसके लिए मैं आपको अब गाइड नहीं करूँगा, फिलहाल मैं शुरू करूँगा आज का अपना ये वीडियो। और जिनके पास ये बुक नहीं है तो वो अपने पास में A4 शीट निकाल के रखिए और एक पेन रखिए और इन सभी फैक्ट को नोट करिए। अगर मार्केट से परचेस कर सकते हैं तो आज कल में इसको परचेस करके ले आना, अदरवाइज आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे क्लिक करिए, बुक को ऑनलाइन परचेस करिए और फटाफट मंगवा लीजिए इस बुक को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक कवर करेंगे, देखते हैं पहले हम टॉपिक आज क्या क्या कवर करेंगे। इसमें हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश, विनिर्माण उद्योग, विश्व के प्रमुख जनजाति के बारे में, भौगोलिक उपनाम के बारे में, प्रसिद्ध स्थान के बारे में, जल संधियों के बारे में, नदियों के किनारे कौन कौन से नगर बसे हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले मैं बात करूंगा चावल के बारे में कि चावल में फर्स्ट रैंक पे कौन सा देश आता है और सेकंड पोजीशंस में कौन सा देश आता है, ठीक है। तो पहले पोजीशंस में जो है वो है चीन और सेकंड में आता है भारत। और बात करें उसके बाद गेहूं की, तो गेहूं जो मिलता है वो मिलता है चीन में और सेकंड नंबर पे भारत। तो चावल और गेहूं दोनों ही हम लोग डेली अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, कभी चावल खाते हैं तो कभी रोटी खाते हैं, तो इसलिए चावल और गेहूँ चीन में और भारत में दोनों में ही मिलता है। लेकिन प्रथम स्थान चावल और गेहूं में किसका है, वो है चीन का, और सेकंड नंबर पे कौन है, भारत। अब हम बात करते हैं कपास की, कपास में भी चीन है और सेकंड नंबर पे आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। अब मैं आपसे बात करता हूँ कपास कौन सी मिट्टी में उगता है, तो वो होता है आपका काली मिट्टी में। और मैक्सिमम कपास का उत्पादन अगर भारत में बात करी जाए कौन से राज्य में है, तो वो है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं रबड़ के बारे में, तो रबड़ है आपका थाईलैंड में, इसको बोलते हैं प्राकृतिक रबड़। कहाँ पाया जाता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, आपको पता होगा अगर आपने मॉक टेस्ट दिया है या फिर आपको तैयारी करते हुए 1.5 साल 2 साल हो चुके हैं तब ये आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। जिसको नहीं पता है तो वो आप इसको अपनी बुक को अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद बात करता हूँ तम्बाकू की, तम्बाकू मिलता है मैक्सिमम चीन में और सेकेंड जो रैंक पे है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर है आपका गन्ना, गन्ना पहले रैंक में आता है भारत, सेकेंड नंबर पर आता है ब्राज़ील। अब हम वही अगेन जो हमने ऊपर पढ़ा थोड़ा सा इसको हम हल्का सा एक्सप्लेन करते हैं। गेहूं प्रथम स्थान पे कौन सा देश है, चीन, सेकंड नंबर पे भारत, ठीक है। चावल में चीन, सेकंड नंबर पे भारत। कपास चीन पहले रैंक पे रहा और सेकंड में है भारत। चाय पहले नंबर पे कौन है, चीन, सेकंड नंबर पे क्या है, भारत। गन्ना फर्स्ट रैंक पर है, ब्राज़ील, और सेकंड नंबर पे जो है वो है भारत। तो ब्राज़ील जो है कॉफ़ी में भी प्रथम क्षेत्र पे है, ठीक है ना, प्रथम स्थान पे कॉफ़ी के लिए भी आपका ब्राज़ील है। अब खनिज उत्पादन में तो बहुत सारे हैं, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, जस्ता, टीन, सोना, चांदी, बहुत कुछ। लेकिन इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे हीरा और अभ्रक के बारे में, हम चांदी के बारे में भी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे हीरे और अभ्रक के बारे में। तो हीरे में जो उत्पादक देश है वो है अफ्रीका महाद्वीप, और अभ्रक में बात करी जाए तो अभ्रक है आपका भारत। उसके बाद हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर कौन कौन से हैं उनके नाम। तो बात करते हैं जहाज निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका बेलफास्ट में,
था। उसके बाद लोह एवं उत्पाद उद्योग कहाँ पर है? ये आपका बर्मिंघम में, ठीक है। उसके बाद जहाज का निर्माण कहाँ पे होता है? ग्लासगो में भी होता है। और सूती वस्त्र उद्योग है आपका मैनचेस्टर में, और लोहा एवं इस्पात है आपका पीटर्सबर्ग में। कालीन उद्योग है आपका ढाका में। अब हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख वनस्पति के बारे में। तो वनस्पति से संबंधित मैं यहाँ पे आपको कुछ भी स्किप नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि इस बुक में ऑलरेडी इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, उसमें भी काट शाट करना कभी कभी कुछ जगह पर पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे लिए भी। तो आपको याद रखना है, देखिए क्या देगा एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रोपोफाइट। और दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को बोलते हैं हाइग्रोफाइट। और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को बोलते हैं जेरोफाइट। क्या बोलते हैं इसको? जेरोफाइट। जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति को बोलते हैं हाइग्रोफाइट। और शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को बोलते हैं मेसोफाइट। और टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को बोलते हैं क्रायोफाइट। और नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली फसलों को क्या बोलते हैं? वहां की वनस्पति को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेलोफाइट। अगला जो है ये आप एक काम करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप कहीं लिखना मत, इसको हाईलाइट करके छोड़ देना और इसको अभी याद करना, ठीक है। यह है आपका लिथोफाइट। जो कड़ी चट्टाने होती हैं उसमें उगने वाली वनस्पति को क्या बोलते हैं? तो ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी में कई बार पूछा भी गया है। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर स्टेट पीसीएस के लिए ये बुक इम्पोर्टेंट है क्या, क्या हम इसको पढ़ सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बुक आपका बनाएगी बेस, और बेस बनाएगी नहीं बल्कि बेस को मजबूत करेगी। उसके बाद आप मेंस की जब तैयारी करेंगे, मेंस के जो सब्जेक्ट पढ़ते होंगे साइड में, तो उसके लिए आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस पैदा करेगा, बेस जो बनाएगा आपका कॉन्फिडेंस के साथ में, वो ये बुक बनाएगा। तो इस बुक का परचेस कर लीजिएगा मार्केट से, इसको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे वीडियो के माध्यम से पढ़ो, चाहे अकेले किसी रूम के कोने में बैठ के पढ़ो, लाइब्रेरी में पढ़ते हो आप, अपने कॉलेज में पढ़ते हो, किसी पार्क में पढ़ते हो, खेत में पढ़ते हो, कहीं भी जाके पढ़िए, लेकिन इस बुक को पूरे ध्यान से पढ़ना कंपलसरी है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव अब अच्छा खासा होने लगा है। कट ऑफ कितना जाता है वो सब आपको पता होगा। विश्व की प्रमुख जनजाति के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए एस्किमो जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? क्वेश्चन मार्क ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से ही पूछेगा सेम, और हमको क्या रिप्लाई करना है उसका, उससे संबंधित देश का नाम हमको पता होना चाहिए, ये है ग्रीनलैंड कनाडा में, ठीक है। निग्रो जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है मध्य अफ्रीका में। फिर हम बात करते हैं बुशमैन की, ये पाई जाती है जनजाति कालाहारी मरुस्थल में। और रेड इंडियन ये आपको पहले से पता होगा, लेकिन आपको कन्फ्यूजन होती है उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका, तो आपको याद रखना है उत्तर अमेरिका कनाडा। फिर है आपका पिगमीज जनजाति कौन से देश में पाई जाती है, उसका नाम बताइए। तो ये है आपका कांगो बेसिन। और अगला है आपका याकू है आपका टुंड्रा प्रदेश। जनजाति में केवल और केवल इतने ही क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है इसको। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं एक एक लाइन को क्यों नहीं समझा रहा हूँ आपके, केवल और केवल ये वीडियो है इम्पोर्टेंट फैक्ट के लिए जो आपको पता होने चाहिए। वन लाइन लाइन एक एक लाइन में पढ़ूंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, शायद ये बुक कम्प्लीट करने में कई साल लग जाए, 2-3 साल लग जाएंगे। तो इसके लिए आप ऑडियो फाइल सुन सकते हैं, ऑडियो फाइल सुनिए, बुक को खोल के बैठिए, एक एक लाइन को अंडरलाइन करिए, पूरी बुक को कर दीजिए अंडरलाइन आप, फिर नोट्स में और बुक में कोई फर्क नहीं रहेगा आपका, ठीक है ना, आपकी पूरी बुक ही बन जाएगी पूरी नोट्स। तो नोट्स नोट्स होते हैं, बुक बुक होती है, तो बुक को बुक रहने दो, नोट्स को नोट्स रहने दो, ठीक है। तो इसलिए हाईलाइट करिए केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि मुझे एक्चुअली काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ये मेल करी थी, कमेंट्स करा था कि सर आप स्किप क्यों करवाते हैं एक लाइन को पढ़ा करो ना, तो मज़ा आता है। तो अभी मज़े मत लो फिलहाल, आप सिलेक्शन लो, ठीक है, उसके बाद में सिलेक्शन के बाद में पूरी बुक का आराम से बढ़िएगा, एक एक लाइन को पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कबीलाई मानवों के कुछ प्रमुख आवास क्या होते हैं। इग्लू जो है यह टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाया गया एक अर्ध गोलाकार आवास होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्राल यह अफ्रीका के वांटू एवं काफिर तथा नेटाल के जुलू प्रजातियों द्वारा घास से निर्मित मानव अधिवास है। उसके बाद हम बात करते हैं लिपी की, कि यह रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में
निवास करने वाले रेड इंडियनों द्वारा निर्मित तंबू के आकार का आवास होता है, जो मुख्यतः बीसीन बैल के चमड़े से बनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम के बारे में, ठीक है। तो इसमें सात पहाड़ियों का नगर किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं हम लोग रोम को। उसके बाद पॉप का शहर, ये है आपका रोम। चीन का शोक बोलते हैं हवांगो नदी को, ठीक है। हवांगो नदी को बोलते हैं चीन का शोक, हवांगो नदी कहलाती है पीली नदी। उसके बाद हम बात करते हैं लैंड ऑफ द गोल्डन प्लीज। लैंड ऑफ द गोल्डन प्लीज का मतलब है आपका ये ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर के द्वार बोलते हैं जिब्राल्टर को। और होली लैंड है आपका जेरूसलम, ये कहाँ पर है, ये आपका इसराइल में। सूर्य उदय का देश जापान। संसार की छत अमेरिका पठार। लैंड ऑफ केक्स, ये है आपका स्कॉटलैंड। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेलिजियम। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। अंध महाद्वीप अफ्रीका। सात टापुओं का नगर मुंबई, कहाँ पर है, भारत में। भारत का बगीचा बेंगलुरु। मोतियों का द्वीप बहरीन। श्वेत शहर बेलग्रेड। एशिया का पेरिस थाईलैंड। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान को बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विश्व के प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले होंगे प्रसिद्ध स्थान झुकी हुई मीनार कहाँ पर है, या बकिंगहम पैलेस कहाँ पर है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, या फिर बिलिंग्स गेट कहाँ पर है, ये है आपका लंदन में। अगर बात करी जाए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, ये है मुंबई में। लेकिन इंडिया गेट कहाँ पर है, ये है आपका दिल्ली में। तो ये थी भारत की। अभी हम बात कर रहे हैं विश्व के प्रसिद्ध स्थानों के बारे में। तो झुकी हुई मीनार मतलब मीनार स्टेट होती है, तो ये मीनार थोड़ी सी क्या है, झुकी हुई है। तो ये झुकी हुई मीनार कहाँ पर है, ये है पीसा में, कहाँ पर, इटली में। कहते हैं ना पीसा की झुकी हुई मीनार, ये आपने पढ़ा होगा जब आप छोटी क्लास में थे। तो पीसा की झुकी हुई मीनार मतलब कि पीसा स्थान का नाम है, लेकिन ये कहाँ पर है, ये है इटली में। आगे हम बात करते हैं लोवर एवं एफिल टावर, ये कहाँ पर है, ये है आपका पेरिस फ्रांस में। और वाइट हाउस पेंटागॉन, ये वाशिंगटन डीसी में है संयुक्त राज्य अमेरिका। ओपरा हाउस, ओपरा हाउस है आपका सिडनी में, कहाँ पर है, ये है आपका सिडनी में। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज करी। देखिए विश्व के प्रमुख भौगोलिक खोजों के बारे में बात करेंगे हम। अब हम लोग जो वो कोलंबस था ना, अब जो पढ़ते थे पहले कोलंबस कोलंबस वाला, वो ये वही कोलंबस है। और इसने क्या करा था, इसने किस किस की खोज करी थी, इसने पश्चिम द्वीप समूह की खोज करी थी, और साथ में दक्षिण अमेरिका की खोज करी थी। किसकी करी थी, दक्षिण अमेरिका की। एग्जाम में आपको उत्तरी अमेरिका भी देगा, अदर कोई महाद्वीप भी देगा, तो आपको याद रखना दक्षिण अमेरिका। कब करी थी, 1498 में। तो ये वर्ष भी इम्पोर्टेंट है कोलंबस से संबंधित, किस वर्ष उसने दक्षिण अमेरिका की खोज करी थी, वो वर्ष का नाम पूछेगा आपसे, तो ये है 1498, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। फिर आपका केपलर, केपलर था जर्मन का, उसने ग्रह की गति का नियम बताया कि ग्रह किस प्रकार से घूमते हैं, क्या उनकी गति होती है, रोटेट कैसे करते हैं, उस सब के बारे में जो भी बखान करा, जो भी एक्सप्लेनेशन उसने दिया, अपने विचार दिए, तो ये था आपका केपलर। और ये कहाँ का था, ये था जर्मन का। आगे हम बात करते हैं वास्को डिगामा, बहुत कॉमन नाम है, कहाँ का था, ये पुर्तगाल का। वास्को डिगामा कॉमन नाम है, लेकिन ये कहाँ का था ये ट्रेवलर, ये था आपका पुर्तगाल का। यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, पुर्तगाल नहीं पता होता, वास्को डी गामा पता होता तो, लेकिन फिर उसका फायदा कुछ नहीं है ना, जब आपको नहीं पता कि वो कहाँ का था, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करते हैं, इसने केप ऑफ गुड होप होकर भारत में आगमन करा, कब करा। अब ये बात आती है वर्ष की, तो अब याद रखिएगा 1498 में। तो कोलंबस और वास्को डी गामा दोनों ही कॉमन है। देखिए कोलंबस के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1498, और उसके बाद में ये वास्को डी गामा क्या है आपका 1498, दोनों कॉमन मिल गए आपको। कोलंबस का नाम भी आपने कई बार सुना होगा, कई बार बोला भी होगा, कई बार इसके बारे में सुना होगा बड़े अच्छे से। तो वास्को डी गामा कोलंबस दोनों सेम ईयर में क्या करा, उन्होंने खोज करी थी, लेकिन कोलंबस ने करी थी दक्षिण अमेरिका की, और वास्को डी गामा ने क्या करी थी, केप ऑफ गुड होप की खोज करी थी इसने, ठीक है। वहां से इसने भारत में आगमन करा था। उसके बाद हम बात करते हैं मैकलन के बारे में। मैकलन था आपका विश्व का भ्रमण करने वाला पहला व्यक्ति, इसका नाम था मैकलन। अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की इसने खोज करी थी, और प्रशांत महासागर की खोज करी थी इसने 1519 में। तो
याद रखिएगा कि अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज किसने करी थी, उस व्यक्ति का नाम बताइए। आपको चार ऑप्शन देगा, वहाँ पे आपको केपर दे सकता है, वास्को डी गामा देगा, या फिर देगा आपको कोलंबस, या फिर आपको देगा मैगलन। तो आपको राइट आंसर चूज करना है मैगलन। और ये विश्व के जो महासागर आपको सामने दिखाई दे रहे हैं 20 नंबर के, तो ये सभी के सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये सभी। और ये इंपॉर्टेंट है केवल उन स्टूडेंट के लिए जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। वो आप क्षेत्रफल याद कर लीजिएगा सारे इसमें, अगर आपको भी इसमें भी अगर आपको इंपॉर्टेंट याद करने हैं तो आप स्टार्टिंग के 5 याद कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी आप छोड़ दीजिए। बात करते हैं विश्व के प्रमुख नहरों के बारे में, कि विश्व के प्रमुख नहरें देखिए ज़्यादा खास नहीं है, केवल इम्पॉर्टेंट है 11 और 12। स्वेज नहर कहाँ पे है, इसका स्थान है मिस्र में, और स्थिति क्या है इसकी, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के ये बीच में है। कहाँ पर, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में। फिर हम बात करते हैं पनामा नहर, इसका स्थान है पनामा, और ये कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। फिर हम बात करते हैं स्वेज नहर की, इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 1869 में, कब हुआ था 1869 में, और इसके निर्माण का कार्य 1854 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनंद दा लेप्सेस को सौंपा गया था। उसके बाद पनामा नहर के बारे में हम बात करते हैं कि पनामा नहर, इसका निर्माण 1914 में हुआ था। और उसके बाद हम बात करते हैं जल संधि के बारे में, विश्व की प्रमुख जल संधि कौन कौन सी है और उनके नाम क्या क्या है, किसको किससे जोड़ती है। तो यह है आपका पहली जल संधि है, वो है आपकी मलक्का, अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को आपस में जोड़ती हैं, और भौगोलिक स्थिति है इसकी इंडोनेशिया मलेशिया। तो मलक्का जल संधि की भौगोलिक स्थिति कौन सी है, क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है इसकी है इंडोनेशिया और मलेशिया। किस किस को आपस में जोड़ती है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है, भौगोलिक स्थिति नहीं पूछेगा तो आपको बोलेगा किसको किससे मिलाती है, तो ये इस सागर को इससे मिलाती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पाक, पाक हमको लगता है कि पाकिस्तान, लेकिन ये मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी के को आपस में जोड़ती है, भारत श्रीलंका के बीच में इसकी स्थिति है। तो पाक जल संधि कहाँ पर, आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन, तो आपको याद रखना भारत और श्रीलंका के बीच की जो जल संधि है वो है आपकी पाक। फिर हम बात करते हैं बेरिंग के बारे में, बेरिंग सागर और चुस्की सागर को आपस में जोड़ती है, और अलास्का और रूस इसकी भौगोलिक स्थिति है। फिर हम बात करते हैं डेनमार्क की, उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर, इंग्लैंड और फ्रांस इसकी भौगोलिक स्थिति है। जिब्राल्टर जल संधि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने स्टार लगा रखा है 6, 9 और ये 11, ये अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आप हो सके तो अभी तुरंत याद कर लेना है इसको, इसको कल पे मत छोड़ना, ठीक है, या इसको बाद के लिए मत छोड़ना रिविजन के टाइम पे, इसको अभी याद कर लेना। तो बात करते हैं जिब्राल्टर की, कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है, कनाडा में इसकी स्थिति है, मतलब ये कहाँ पर है स्थित, ये आपके कनाडा में, और मैगलन प्रशांत वे दक्षिणी अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है। अभी हमने ऊपर कुछ समय पहले क्वेश्चन देखा था मैगलन के बारे में, तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो है आपकी चिली। उसके बाद अब याद करेंगे 19 नॉर्थ चैनल, मतलब आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, भौगोलिक स्थिति इसकी रही है आयरलैंड और इंग्लैंड। फिर आपका बास्फोरस, काला सागर एवं मारमरा सागर, ठीक है, इसको मरमरा सागर भी बोलते हैं, ठीक है, मारमरा सागर बोलेगा, मरमरा सागर बोलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, ठीक है। तो ये भौगोलिक स्थिति है इसके टर्की, और बाव एवं मंडव, लाल सागर एवं अरब सागर को आपस में जोड़ती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो बाव एल मंडव, तो इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसकी भौगोलिक स्थिति है यमन जिबूती। फिर हम बात करते हैं जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी किसको बोलते हैं, जिब्राल्टर को। और उसके बाद में विश्व के प्रमुख जल डम मरुमध है, कौन कौन से हैं, तो बेरिंग, जिब्राल्टर और ये पाक, ये सभी आपको देखने हैं, संबंधित सागर कौन कौन से हैं इसके, आर्कटिक एवं बेरिंग सागर, ये है आपका बेरिंग का। और भूभाग जिनको ये अलग करता है, ठीक है, जल की छोटी सी पट्टी होती है जो दो देशों को आपस में अलग करता है, दो भूमि को आपस में अलग करता है, ठीक है। तो जिब्राल्टर और पाक ये इंपॉर्टेंट है इसमें, पाक का भी हमने ऊपर देखा था, पाक मतलब कि पाक जल संधि या वो, तो ये भारत एवं श्रीलंका है, ठीक है। सॉरी, उसके बाद हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख नदियों के बारे में, कौन सी नदी उद्गम स्थान क्या है, गिरने का स्थान क्या है, और उसके लेंथ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले नील नदी के बारे में, तो नील नदी का जो उद्गम स्थान है वो है आपका विक्टोरिया झील, और गिरने का स्थान है इसका भूमध्य सागर, ठीक है। और इसकी लंबाई क्या है, लंबाई है किलोमीटर में 6,690 किलोमीटर,
फिर हम बात करते हैं अमेज़न की। इसका जो उद्गम स्थान है वो है लैगो विलफेरो, और गिरने का जो स्थान है वो है अटलांटिक महासागर, और इसकी जो लंबाई है वो है 6,296 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको लंबाई भी याद करनी पड़ेगी, SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से या A to Z कोई भी आपका एग्ज़ाम क्यों ना हो, ग्रेड डी तक का क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी लेंथ को लेकर के न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन वो पक्का पूछता है। अगर आपसे एग्ज़ाम में वो वर्ष नहीं पूछेगा किसी चीज़ का कि उस वर्ष क्या हुआ था, तो वहाँ पे आपसे लेंथ पूछ सकता है किसी चीज़ की। तो लेंथ मैक्सिमम बनती है आपकी नदियों की, तो इसलिए अमेजन की लेंथ ये है। आगे बात करते हैं हवांगो, ठीक है, तो इसको हांग हो बोलते हैं। उद्गम स्थान जो है इसका क्यू नू लून पर्वत पे है, चीहिल की खाड़ी में गिरने का स्थान है, लंबाई है इसकी 4,467। कांगो, कांगो नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो ये है आपका लुआ लिया और ला पुला नदी के संगम पर, गिरने का स्थान है अटलांटिक सागर, लंबाई है इसकी 4,371। मैकेंजी नदी फिनले नदी के मुहाने से है, ब्यूफोर्ट सागर में 4,241। 12 आपका नाइजर, गिनी अफ्रीका, गिनी की खाड़ी में ये गिरती है, और उसकी लंबाई है आपकी 4,184। आगे हम बात करते हैं आपसे सैन फ्रांसिस्को द मिनास गिटेस, गिरने का स्थान अंध महासागर, और लंबाई है इसकी 3,198। फिर हम बात करते हैं डेन्यूब नदी के बारे में, ब्लैक फॉरेस्ट ये है आपका जर्मनी में, इसका उद्गम स्थान है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो ये है आपका जर्मनी में, याद रखना ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। काला सागर इसके गिरने का स्थान है, लंबाई है इसकी 2,842। उसके बाद हम बात करते हैं डार्लिंग, डार्लिंग डार्लिंग है आपका ऑस्ट्रेलिया, और गिरने का जो स्थान है इसका मर्रे नदी, और इसकी जो लंबाई है 2,789। फिर हम बात करते हैं यूराल के बारे में, किसके बारे में, यूराल के बारे में, दक्षिण यूराल पर्वत इसका उद्गम स्थान है, ये कहाँ पर है, यह है रूस में, और गिरने का स्थान है इस नदी का कहाँ पे गिरती है, कहाँ पे जाके समाहित हो जाती है, तो यह है आपका कैस्पियन सागर में, लंबाई है इसकी 2,533। डोन, डोन है आपका टूला जो रूस में पड़ता है, ये इसका उठने का स्थान है, जहाँ बनता है ये, जहाँ जन्म लेता है नदी ये टूला में, और इसका अंत कहाँ पे होता है, कहाँ ये जाके मिलता है, कहाँ पे जाके ये गिरता है, तो ये गिरता है आपका अजोब सागर में। तो 1968 जो है इसका टोटल लेंथ है। टिग्रिस, टिग्रिस टॉरस पर्वत टर्की, गिरने का स्थान सतल अरब, 1,899। देखिए अगला जो पॉइंट है वो है आसवन बांध वे नासिर झील नील नदी पर है, और हूबर बांध कोलोरेडो नदी पर है, और विक्टोरिया जलप्रपात वे करीबा बांध जेम्बेजी नदी पर स्थित है। माही नदी भारत में है, और ये कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार डिवाइड करती है, जो नदी कहाँ पर है, भारत में, या फिर पूछेगा आपसे भारत में पड़ने वाली ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो भागों में डिवाइड करती है, बांटती है, विभाजित करती है, काटती है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, उसका नाम है माही नदी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर, बगदाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये है आपका टिग्रिस, बेलग्रेड, मैप 26 में आ रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि तो पेज को अपडाउन करने में थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, हो सकता है, तो बेलग्रेड में मतलब डेन्यूब है, वाशिंगटन पोटोमेक। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट लुइस मिसिसिपी में, संघाई आपका यांग टिसी कियांग, और रोम जो है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये है आपका टाइबर, लंदन भी इंपॉर्टेंट है, पेरिस भी इंपॉर्टेंट है, तो रोम लंदन पेरिस तीनों ही याद करिएगा, ठीक है ना, लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, और पेरिस आपका सिन नदी के किनारे। उसके बाद हम बात करते हैं 15 की काहिरा, मिस मतलब नील नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर हम बात करते हैं संघाई, संघाई कहाँ पर है, यह है आपका चीन में, और कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह है यांग टिसी क्यांग, और न्यूयॉर्क है आपका हडसन नदी के किनारे, लाहौर है आपका रावी में, कराची है आपका सिंधु। फिर हम बात करते हैं सिडनी के बारे में, सिडनी मतलब ऑस्ट्रेलिया, ये है आपका डार्लिंग नदी के किनारे, लेनिनग्राड जो है आपका नेवर नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इस मतलब विश्व के प्रमुख जलप्रपात में आता है सबसे पहले आपका एंजिल जलप्रपात कौन से देश में है, ये आपका वेनेजुएला में, और उसकी हाइट कितनी है 979। उसके बाद ग्रेट कामराना गुआना देश में है, उसकी हाइट है ऊंचाई में 488 मीटर। नियाग्रा, नियाग्रा आपका कनाडा एवं अमेरिका के बीच में है, ऊंचाई है उसकी 120 मीटर। उसके बाद में हम बात करते हैं एंजिल जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये है आपका कैरो नदी पर,
जोग जलप्रपात है आपका सरावती नदी पर, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। तो कौन से जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है? तो यह है आपका जोग जलप्रपात, कौन सी रिवर पर है? यह आपका सरावती नदी पर। अगला है आपका नियाग्रा जलप्रपात, यह सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। फिर हम बात करते हैं विश्व की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। तो विश्व की प्रमुख झीलों के नाम कौन कौन से हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है आपका कैस्पियन सागर, और कहाँ पर है संबंधित क्षेत्र इसके, ये सब हैं। क्षेत्रफल कितने हैं इसके? 3,71,000। फिर हम बात करते हैं सुपीरियर झील, कहाँ पर है? अमेरिका तथा कनाडा में है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 82,100 वर्ग किलोमीटर। विक्टोरिया झील से संबंधित जो क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं? ये झील कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? ये केनिया, युगांडा वे तंजानिया। फिर हम बात करते हैं अरल सागर झील, कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान में। फिर हम बात करते हैं हॉरन झील, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच में। फिर हम बात करते हैं बेकाल झील, रूस में पाई जाती है। और उसके बाद हम बात करते हैं आपसे टीटी काका झील, यह है आपका पेरू और वॉल्विया इससे संबंधित क्षेत्र हैं। उसके बाद रुडोल्फ झील केनिया में, और 6,405 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फिर हम आपसे बात करते हैं बेकाल झील के बारे में। बेकाल झील के पूर्वी भाग में ब्यूरेट नामक जनजाति पाई जाती है। बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, और इसकी जो गहराई है वो है 1,620 मीटर। टांगानीका झील विश्व की सबसे लंबी जो मीठे जल की झील है, तो मीठे जल की झील कौन सी है विश्व में, उसका नाम बताइए। उसका नाम है टांगानीका, और यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील भी है, जिसकी गहराई कितनी है? 1,436 मीटर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील, मतलब कि खारे पानी की झील है। उसके बाद में मीठे जल की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए, तो यह है आपका सुपीरियर झील। ठीक है, तो सुपीरियर झील को आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि आप किसी जगह पे जाते हैं, वहां का पानी आपको मीठा लगता है, आप बोलते हैं कि यार यहाँ का पानी ना बड़ा मस्त है, काफी सुपर है। सुपर मतलब काफी बढ़िया है। ठीक है, तो सुपीरियर झील मतलब मीठे जल की सबसे बड़ी झील। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, और आपका जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो उस तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आप भी आगे बढ़िए और औरों को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। बाकी उसकी मेहनत, बाकी उसकी ईमानदारी। ठीक है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा इस चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारी किताबों के कंप्लीट वीडियो। इस चैनल पे आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, मतलब कि ढेर सारी किताबों के कंप्लीट वीडियो। इसमें वीडियो हैं लूसेंट बुक के, सामान्य ज्ञान के, इसके ऑडियो फाइल भी है आपके पास। इस चैनल पर आप जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप चेक करिए, इन सभी किताबों के कंप्लीट वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और आपसे अगेन कहूँगा प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। पसंद आया हो तो लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहूँगा। अगर आप वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं फिलहाल अभी, तो बात अलग है, तो आपके लाइक्स काउंट नहीं होगा। अगर आप देखिए लाइक करते हैं तो इस वीडियो का जो सर्च जो प्रायोरिटी होती है वो यूट्यूब पे बढ़ जाती है। अगर आप कम लाइक करते हैं तो ये चैनल और लोगों तक, ये वीडियो और लोगों तक आसानी से नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो यूट्यूब चैनल के सर्च इंजन पे सबसे पहले दिखाई दे, और जो बच्चे गांव जैसे दूर दराज स्थानों पर पढ़ रहे हैं, जिनके पास किताब नहीं है, जिनके आसपास कोई मार्केट नहीं है, जिनको ऑनलाइन पता नहीं है कैसे बुक करते हैं बुक वगैरह, तो उन तक इस वीडियो को पहुँचाने के लिए एक लाइक तो कम से कम बनता है। तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में, और आपसे कहूंगा कि एक बार इन सभी बुक की प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।